हेलो गाइस, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना कुछ ना कुछ नई अपडेट जो है वो आती रहती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर संजना सांघी की जो है एक वीडियो वायरल हो रही है, इस वीडियो में संजना सांघी बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर एंट्री करती हुई नजर आ रही है और ये वीडियो जो है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं आपको बता दूं, संजना सांघी आखिरकार है कौन? संजना सांघी वो है जो सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म की एक्ट्रेस है, जो कि बॉलीवुड में डेब्यू भी कर रही है इस फिल्म के साथ में। सुशांत सिंह राजपूत की जो आखिरी फिल्म रही है उसके दौरान उनका जो बिहेवियर था वो कैसा था, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि जब दिल बेचारा की शूटिंग चल रही थी तो उस दौरान जो है एक अफवाह फैली थी जिसमें ये कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने संजना को शूटिंग के दौरान गलत तरीके से टच किया है। और ये बात जो है कई न्यूज़पेपर्स, कई सोशल मीडिया पे एक के बाद एक जो है वायरल होती जा रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद ही संजना सांघी जो है वो सामने से आके उन्होंने इस सब बातों को जो है अफवाह बताया और तुरंत ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक झूठ है। और आपको अगर याद हो तो जो कंगना ने एक वीडियो बनाया जिसके लिए उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कुछ पक्ष भी रखे थे, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि उनको लेके काफी बार जो है वो गलत गलत खबरें जो है वो छापी गई थी, फिर चाहे वो एक्टर को गलत तरीके से टच करना या फिर जूता मार देने वाली बात जो आई थी, तो एक जो इमेज खराब करने वाली जो चीजें थी वो कंगना ने ऑलरेडी शेयर की थी। अब पुलिस जो है संजना सांघी के साथ में पूछताछ कर रही है। हाल ही में यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से बातचीत हुई थी और संदीप एस सिंह से बातचीत हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को मिला के, फैमिली फ्रेंड इन सबको मिला के अब तक कम से कम 27 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब ये देखना, पुलिस जो है वो एक अनुमान लगा रही कि शायद से संजना सांघी के थ्रू जो है कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आए, कोई लीड निकल कर आए जिससे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो पुलिस वाले जो सोच रहे हैं क्या वो होना मुमकिन है या फिर कुछ नई चीजें निकल के आएंगी सुशांत सिंह राजपूत केस में? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।